फाइट ऑफ राइट्स के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। टीएमसी के भी नेता यहाँ पर हैं। हमारा वेस्ट बंगाल में 100 दिन के लिए जो लेबर काम किया उसको रुपया नहीं मिलता है। ये लोग 2 साल से हमने काम किया, ये लोग रुपया नहीं दे रहा है। मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हमारे जो मनरेगा का पैसा है उसे रोक दिया गया। मनरेगा का पैसा जी 15,000 करोड़ रुपया बाकी है, 15,000 करोड़ रुपया ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं दिया जा रहा है। चिट्ठी लिखा जा रहा है, ऑफिशियल प्रोसेस किया जा रहा है, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बंगाल से लोग आए हुए हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर के लगातार यहाँ पर खड़े हैं। सवाल है कि आखिर इनके कौन सी मांग है। अगर देखा जाए तो वहाँ सामने भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा भी हुआ है आर राइट आ फाइट ऑफ राइट्स के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। टीएमसी के भी नेता यहाँ पर हैं। आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ मुद्दे हैं आज यहाँ पर जो आप लोग आए हुए हैं। हमारा वेस्ट बंगाल में 100 दिन के लिए जो लेबर काम किया उसको रुपया नहीं मिलता है। ये लोग 2 साल से हमने काम किया, ये लोग रुपया नहीं दे रहा है। वो आवास प्लस योजना जो है उसका घर के लिए कोई रुपया नहीं देंगे। रास्ता घाट के लिए सब रुपया वंचित करता है हमारा। मतलब संपूर्ण रूप से आप लोगों जो भी आप लोग वहाँ काम करते हैं उसके कोई भी पैसे आपको नहीं मिलते। हमारे जो वहाँ पर बंगाल में वेस्ट बंगाल में जो काम करते हैं ना लेबर सेनी का लोग जो किशोर से काम करता है वहाँ पर 100 दिन के लिए, वहाँ पर जो 100 दिन के लिए जो पैसा 2 साल से नहीं दे रहे, इसलिए हमारा बंगाल में जितना भी किशोर का भी काम किया था उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ। बंगाली में করবো লড়বো জিতবো রে, বাংলার টাকা নিয়ে যা, বাংলা দিল্লি থেকে কৃষকদের জন্য টাকা নিয়ে যাব রে, দিদির হাত আর দাদার হাত শক্ত করবো রে, জয় বাংলা জয় বাংলা জয় ইন্ডিয়া। क्या लगता है कि ममता दीदी तो कहती हैं कि बहुत अच्छा बंगाल में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। क्या ममता दीदी कहती है बंगाल में तो सब बेहतरीन चल रहा है, किसी को भी कोई दिक्कतें नहीं? दिक्कत है ममता दीदी के तरफ से नहीं है, दिक्कत सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अपना दुश्मनी निकाल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने नहीं चुना, बंगाल की जनता ने हमारी नेत्री ममता बनर्जी को चुना। इसी के लिए मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, हमारे जो मनरेगा का पैसा है उसे रोक दिया गया। मनरेगा का पैसा जी 100 दिन के जो वर्कर है, 100 दिन के जो वर्कर है उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। और प्लस अलग अलग संस्थाओं से जो पैसा आता है स्टेट में, हमारा टोटल 15,000 करोड़ रुपया बाकी है, बकाया है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, पर वो नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है बंगाल के लोगों से। आपने देखा होगा 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के लोगों ने बीजेपी वालों को वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारा है कि वो लोग ये सब तरीके से हमसे बदला ले रहे हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूँ, अगरचे हमारे मजदूरों का पैसा नहीं दिया जाएगा, एक बार नहीं 100 बार भी हमारी नेत्री हमें बोलेगी कि दिल्ली में जाकर धरना दीजिए, हम लाठी खाने हम मार खाने के लिए तैयार है। बंगाल से कितने लोग आए हुए हैं? बंगाल से यहाँ पर आपसे कहूँगा कैमरे एक बार घुमाइए, लाखों की आबादी है, कितने आदमी अंदर आ गए, कितने आदमी बाहर खड़े, कितने आदमी आ रहे हैं, बस ममता बनर्जी के एक डाक में इतने आदमी आए हैं। और ममता बनर्जी जब जब बुलाएंगी तब तब हम लोग आएंगे। हम तृणमूल करने वाले लोग अमन पसंद चैन पसंद लोग हैं, पर अगर हमारे मजदूरों का पैसा रोका जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हाथ में हाथ देकर नहीं बैठेंगे। तौर पर और क्या कुछ मांगे, केवल मनरेगा को लेकर के आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं या और भी कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से दिक्कतें हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से तमाम, जैसे GST का एक पैसा होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ हमारा 15,000 करोड़ रुपया बाकी है, 15,000 करोड़ रुपया ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं दिया जा रहा है। चिट्ठी लिखा जा रहा है, ऑफिशियल प्रोसेस किया जा रहा है, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए आप लोगों के साथ ये कर रही है क्योंकि बंगाल में आप उसको चुन के नहीं लाए? मुझे नहीं लगता, बाकी सब पूरे देश के हिंदुस्तान की जनता को यही लगता है और यही सच है। आप भी बंगाल से? हाँ, मैं भी बंगाल। क्या कुछ समस्याएं हैं? NRCS को जो टाका है ना, जो इंडियन का इंडिया गवर्नमेंट को हर स्टेट को देता है, हर लेबर को 365 डेज में 100 दिन का काम सुनिश्चित है, वो काम कराया, लेकिन काम कराने के बाद भी मोदी सरकार पैसा नहीं दिया।
और मोदी सरकार ने बताया 2021 में हर घर में छत होगा। हमारा बंगाल में कुछ पैसा नहीं दिया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी पैसा नहीं, 1,50,000 करोड़ जैसा ड्यूज है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो उसका भी पैसा आपके राज्य में नहीं पहुंचा है, बंगाल में नहीं पहुंचा है। ये गलत बात है, उड़ीसा में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, बीजेपी का सब स्टेट को मिल रहा है। बंगाल इसलिए नहीं मिल रहा, बंगाल के साथ बेईमानी हो रहा है क्योंकि वो 2021 में वोट में हार गया। इसी कारण में जहाँ पर मोदी जी जीतने नहीं पाया उस कारण में ये हो रहा है। संपूर्ण रूप से यही आपकी समस्या है, क्या लगता है कि धरने से सारी चीजें ठीक हो पाएंगी? नहीं, हमारा बात क्या है, हम दिल्ली तक जो देखिए, आपको पता है आज जो इंडिपेंडेंट आया बंगाल का, बंगाल का आदमी लोग बंगाल का हर जगह में वो हिस्सा लिया और देश स्वाधीन करने के लिए बंगाल का एक महत्वपूर्ण भूमिका था। बंगाल यहाँ पर आया इसीलिए आया, उसको आवाज यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ममता दीदी की आवाज में आप लोग, एक आवाज में आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको दिक्कतें हैं। ममता दीदी भी इस धरने का हिस्सा बनेंगी, वो आएंगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के आने के बाद है, ममता दीदी के आने के बाद है कि नहीं अभी तक पता नहीं है। अभिषेक बनर्जी आएगा, वो आएंगे, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आएंगे। और हमारा कहना है जो हमारा जो हर घर में जो गरीब लोग है, किसान लोग है, खेत मजदूर है, उन लोगों का पैसा जो मोदी सरकार रोक के रखा है वो पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो मांग है वो मांग संपूर्ण रूप से ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलती हैं वो पूरी तरीके से इन लोगों तक नहीं पहुंची है। कहा जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का जो पैसा है वो बंगाल में नहीं दिया जाता है, और संपूर्ण रूप से इनके मन के सबके भीतर एक बात बैठी हुई है कि इन्होंने जो है बंगाल में भाजपा सरकार नहीं लाई है, इस वजह से वहां पर जो है पक्षपात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। क्या सच है क्या कुछ नहीं, लेकिन लगातार यहाँ पर संपूर्ण रूप से लाखों की आबादी में आए हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी आपको दूर तक का दिखाएं कि यहां पर किस तरीके से हर एक बंगाल का आदमी यहां पर अपने मनरेगा का पैसा मांगने के लिए मौजूद हुआ है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये पक्षपात इनके साथ क्यों कर रही है। लगातार अगर बात की जाए तो यहां पर ममता दीदी की बात कहा गया कि ममता दीदी यहां पर नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो तमाम नेता है टीएमसी पार्टी के वो यहां पर आएंगे। कहीं ना कहीं अगर फैक्टर देखा जाए तो ये बंगाल के लोगों को जो समस्याएं हैं, बंगाल में जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो नीचे जनता है, आम जनता, उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, उन दिक्कतों के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई सरकार पक्षपात कर रही है या वाकई ये कोई 2024 का एजेंडा? फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर, कैमरा पर्सन के साथ आस्था तिवारी।